So hello guys, finally अभी पोखरा का लेक मतलब एक्सप्लोर करके अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ शिव मंदिर। वो हो गया आपको पहाड़ की रास्ते से, मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अभी देख सकता है लाइक यहाँ पे जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर है। उसके बाद अभी आपको पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा अभी। सो अभी फ़िलहाल में मेरा जो मैंने रेंट लिया है स्कूटी से, मतलब आज पूरा दिन तो मुझे इसी से ही एक्सप्लोर करना है। एक्चुअली क्या है, दो जगह अभी फ़िलहाल एक्सप्लोर करना है। सो मतलब अभी शुरुआत में किया था पोखरा का लेक, और अभी जा रहा हूँ मैं शिव मंदिर। वो ऊपर है, यहाँ से अभी सुना है कि स्कूटी से 15 to 20 minutes लगता है बोल के। अभी देखो चराई, वाओ इट्स अमेजिंग गाइस, लव यू फ्रॉम नेपाल। राइट नाउ आई एम इन नेपाल एंड क्या बोलूँ, मतलब अभी फिलहाल मतलब जो पहाड़ की रास्ता है, मतलब उसमें थोड़ा होने से भी इट्स लाइक फीलिंग समथिंग। हेलो हनी बनी, टको टको। अभी आज वेदर बहुत मस्त है, उसके बाद गर्मी भी बहुत मस्त है रहे। अभी फिलहाल मैंने स्कूटी को क्यों रेंट लिया है बोलने से, क्योंकि स्कूटी का क्या है, गियर चेंज करना नहीं पड़ता है। अभी देखो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग स्कूटी से आता है तो क्योंकि एक हाथ से आप लोग लॉक कर सकते हो और एक हाथ से जैसे कि वो क्या बोलता है स्कूटी को चला सकती हो। सो फिलहाल मस्त से ठंडे से चल रहा हूँ। अभी फिलहाल ये जो चढ़ाई है बहुत ऊपर में, अभी रास्ता बोलने से ऐसा होना चाहिए कि नहीं गाइस, देखो कैसा एक तो मोर आता है, देखो वाओ दैट्स अमेजिंग गाइस। बहुत ऊपर जाना है, ऊपर जाना है मुझे, ऊपर जाना है। सो फिलहाल गाइस अभी आपको यहाँ से ऊपर से ये जो पहाड़ के ऊपर है इससे मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। देखो चढ़ाई कैसा है, वो नीचे से मतलब घूर के आना पड़ता है। अभी देखो आप देख सकते हो फुल पोखरा यहाँ से। अभी मैं बैक लोकेशन से दिखाना चाहूँगा। अभी देखिए रुकिए थोड़ा, यहाँ से जैसे कि हो गया फुल पोखरा का जो टाउन है सब दिखाई देता है, इट्स फुल्ली अमेजिंग। सो गाइस ये देखिए, ये है पोखरा का फुल टाउन जैसे कि ऊपर से दिखाई देते, और ऊपर जाने से इससे भी मतलब सुंदर मतलब नज़ारा और भी अच्छा लगेगा। सो मतलब सुना है कि मतलब इससे भी और ऊपर जाना है। अभी फिलहाल हमें ऊपर जाना है, तो मतलब स्कूटी को यहाँ पे छोड़ के आया था। अभी फिलहाल ये सब मतलब दूर दूर के वापस आ रहा है, तो अभी फिलहाल हम लोग को भी जाना है ऊपर गाइस, ऊपर।
सो गाइस देखिए नज़ारा, वाओ इट्स टोटली वंडरफुल। लाइक यहाँ से जो पोकरा है फुल्ली पोकरा को ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया ऊपर में और वो हो गया वो वहाँ से जो रास्ता दिखाई दे रहा है छोटा सा, मतलब उधर से घूर घूर के आया मैं। अभी फिलहाल ये फुल्ली हो गया पोकरा सिटी, सिर्फ इधर का नहीं है, सिर्फ नज़ारा इधर भी नहीं है, उधर भी है और इट्स टू बिग। पोकरा सिटी बहुत बड़ा है, वाव जगह बोलने से इसको बोलता है यार गाइस। यार गाइस आप लोग जैसे कि देख के, मतलब जो सिनारियो है शायद आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल से अच्छा तो लगना चाहिए क्योंकि रियलिटी में और भी अच्छा है। वाव बोलो ही मत यार, देखा रास्ता होने से ऐसा होना चाहिए बिल्कुल घटिया सा, लेकिन फिर भी फीलिंग लाइक समथिंग समथिंग बहुत, मतलब अच्छा भी लग रहा है प्लस एडवेंचर भी हो रहा है और ऊपर से बहुत रिस्की भी है। जैसे कि एक हाथ से चला रहा हूँ मैं, साइड पहुँचने वाला, इधर भी बहुत सारा गाँव है, बहुत सारा आदमी लोग स्कूटी लेके भी आया है, वो लोग का मतलब कैमरा नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरा एक हाथ में कैमरा है ना, तो मुझे स्लो स्पीड में निकलना है, सो इट्स वेरी टफ फॉर मी। वाह क्या रास्ता है भाई, मानना पड़ेगा। रास्ता बोलने से तो हम लोग का उधर का गली का रास्ता भी ऐसा खतरनाक नहीं है यार, पहाड़ का रास्ता बोलने से तो, और ऊपर से कच्चा रास्ता भी और पत्थर भी इतना बड़ा बड़ा है कि बोलो ही मत। सो फिलहाल सब मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है और मेरा वक्त क्या बोलेगा अभी मुझे, मतलब स्लो एंड स्पीडी धीरे धीरे निकल रहा हूँ मैं, कब पहुँचेगा भाई। पहुँचने वाला है गाइस, थोड़ा धीरे रखो थोड़ा। सो देखो रास्ता बहुत खतरनाक है, मतलब गाड़ी अगर ऊपर से आते हैं तो गाड़ी को भी रुकना पड़ता है, उपाय नहीं है, जैसे भी करके निकलना है। और यहाँ का गांव छोटा छोटा घर है, यहाँ पे जैसे कि हो गया, यहाँ पर जगह थोड़ा फेमस है ना, इसलिए थोड़ा यहाँ पे गांव है, थोड़ा गली है। जैसे कि अभी अपने को क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस अब पहुँच गया, मतलब स्कूटी को यहाँ पार्क करते हुए थोड़ा आगे बढ़ना है। अभी फिलहाल रास्ता बहुत गंदा था, चल चल के हालत ख़राब हो गया यार, लेकिन बाइक आ रहा है, वही नहीं चल के जाएगा क्योंकि क्या है, अभी यहाँ स्कूटी लेके जाने से एक हाथ से चला के एक हाथ से वीडियो बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत मतलब नीचे से चला चला के आया ना पूरा, जैसे कि वो क्या बोलता है, पूरा पीछे का बैकबोन हड्डी सब गया सत्यानाश, मसाज चाहिए अभी। सो अभी फिलहाल यहाँ से कितना दूर है आंटी, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया ना, बस थोड़ा सा रह गया, तो अभी अपने को जैसे भी करके पहुँचना है बस। हेलो YouTube चैनल। हाँ यहाँ पे मतलब ये लोग मतलब अभी फिलहाल उधर से आया है, क्या बोलते हैं आप लोग, उधर शिव मंदिर से दर्शन करके आए, दर्शन करके आए। बहुत बढ़िया मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर है। मंदिर कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत शांति मिलता है, शांति मिलता है और हिंदू धर्म का एक सर्वोपरि स्थान है। सात सौ साल पुराना। आप लोग ने कुछ मन्नत मांगा है? नहीं नहीं, सब हमें दे रखा ऊपर ने, अपने आप को दे रहे हैं, हम नहीं मांग रहे, ऊपर वाला ने दे रखा है, तो मतलब वो लोग ने मन्नत नहीं मांगी, बस मतलब दिल को सुकून मतलब शांति पाने के लिए मतलब आया है। सो ऑब्वियसली गाइस अगर आप लोग आता है देन ऑब्वियसली यू मस्ट विजिट दिस प्लेस टू। सो विकास एन डबल जेड, विकास एन डबल जेड, हाँ स्पेस करके ये बी वाला, बी फॉर बॉल वाला, ठीक है सब्सक्राइब करूंगा। विकास एन डबल जेड एस एच है इधर 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 एस की बगल में, हाँ एच यहाँ पे, यहाँ पे हाँ स्पेस दो, अभी सर्च करो
अभी नेट नहीं चल रहा है। हाँ यही है, ठीक है, करेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट करके रख देना। सो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे कुछ मतलब टूरिस्ट लोग मिला है जो मतलब यहाँ पे आया है शिव मंदिर पे, मतलब अभी ये लोग वापस आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल अपने को क्या है, अभी जाना है। सो वीडियो में बने रहिए गाइस। सो अभी पहाड़ का इलाका है ना, थोड़ा बहुत मतलब जहाँ भी देखो चढ़ाए है यहाँ पे मतलब गाड़ी आने के लिए मतलब अलाउ नहीं है, चल के आना पड़ता है ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो। तो हेलो गाइस, अभी बस कुछ देर बाद पहुँचने वाला है। हाँ चल चल के, मतलब हालत ख़राब हो गया अरे इतने में। कहा था कि कुछ पता नहीं यार, केदारनाथ में जैसे कि आप लोग जाने से जैसे कि चलना पड़ता है ना, उसी तरह है। इट्स टू हाई और ऊपर से रास्ता भी इतना मस्त नहीं था, बहुत गंदा रास्ता था, मतलब पूरा हिल हिल के आया है। तो अभी क्या है, नीचे में रख दिया। तो अभी यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। सो फाइनली गाइस पहुंच गया, अब देख सकते हो। और यहाँ से आपको लेक दिखाई देगा, यहाँ से नीचे नजारा बोलने से ये गाइस। व्हाट ए लोकेशन गाइस, इधर देखो ऊपर से नीचे। गाइस इतना में हालत ख़राब हो गया, देखा। जिस जगह पे मेहनत लगता है वो जगह हमेशा मतलब दिल को सुकून देता है गाइस, क्योंकि लाइफ में क्या है, हमेशा घर में बैठे बैठे क्या करेगा। सो समटाइम कुछ नया जगह एक्सप्लोर करो, मन को शांति मिलेगा। सो फिलहाल गाइस पहुंचने वाला है, ज़्यादा और देर नहीं, कुछ और देर बाद हम लोग पहुँचने वाला है बस। सो ये है गाइस, अभी ऑलमोस्ट इंटर हो गया। सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत टूरिस्ट लोग आता है, दे जस्ट कम टू विजिट, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इट्स वेरी फेमस इन पकौड़ा। सो सुना है तो मतलब आ गया, यहाँ से जा सकते हैं ना भाई। सो अभी पतीली मतलब अनोन है, इसलिए मतलब कुछ कुछ के जाना पड़ता है। सो बस और कुछ देर गाइस, ज़्यादा देर नहीं, बस कुछ देर पहुँचने वाला है गाइस। सो सम पीपल आर जस्ट हैविंग सम फोटो। सो फाइनली गेट पहुँच गया गाइस। So where is the view guys? It's totally wonderful and it's very big guys, बहुत बड़ा है, जाकर भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी रात के समय में मतलब यहाँ पे लाइटिंग होगा एंड देन पानी छोड़ता है, तो अभी फिलहाल बंद करके रखा है। तो इस करीब से दिखाना चाहूँगा, वीडियो में बने रहिए, वीडियो कट ना करते हुए। सो मतलब ऊपर जाने के लिए नहीं दिया, ऊपर जाने के लिए नहीं दिया, ऊपर जाने के लिए नहीं दिया। सो फाइनली सो गाइस फाइनली पहुंच गया, यही है डेस्टिनेशन आज का। सो आगे का जो जापानीज टेम्पल है वो बहुत नीचे रह गया, तो यहाँ से शायद आपको आप सभी को दिखाई दे रहा होगा वो जहाँ पे वो है, उधर से लेके वो जो नीचे का रास्ता है, वो जो हाईवे है, हाँ वो हाईवे से हम लोग आया है।
तो अभी फिलहाल बस अपने को थोड़ा चक्कर लगाना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है गाइस आप लोगों को बस बड़ा सा यहाँ पे सब कुछ मतलब अच्छे से बना के रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आया हुआ है, सो देखिए गाइस पीछे का नज़ारा जी भर के देखिए। सो इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस, इफ़ यू कम इन नेपाल देन ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सुंदर सा जगह है। यहाँ पे आप शिव मंदिर में भी आके आप घूर सकता है, बात देख सकते हो यहाँ से, आपको नज़ारा देखने से तो बहुत अच्छा है। वाह वाह ये है नज़ारा गाइस, वाह वाह वाह। सो देखिए बहुत बड़ा है, स्टैचू बहुत बड़ा है गाइस। सो मतलब मैंने चक्कर लगा चुका है, सबसे ऊपर में है गाइस ये, आपको ये पोकोरा से दिखाई देता है, आपको नीचे टाउन से इसका नज़ारा दिखाई देता है। जब मैं लेक में घूम रहा था तब मुझे ये स्टैचू देखा, तब जाके मैंने पूछा कि ये क्या है बोल के, तब वहाँ से बताया गया कि ऊपर में शिव मंदिर है बोल के। जगह बहुत अच्छा है, आप जाके उधर घूम भी सकता है और ऊपर से आपको मन को भी शांति मिलेगा बोल के मैंने आया यहाँ पे। इट्स फुल्ली ओसम गाइस, टोटली ओसम, वाओ वाओ वाओ। सो गाइस यही है गाइस, ऑलमोस्ट यहाँ का सब चक्कर लगा चुका हूँ मैं। आप सभी को यहाँ का बेस लोकेशन, यहाँ का जो कुछ भी है, सब कुछ दिखाया, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए गाइस, गोल्डन कलर में ये, वाओ वाओ। लेकिन अभी आज बहुत धूप दे रहा है तो मतलब बहुत गर्मी है, छूके मतलब जलन सा फील हो रहा है, फिर भी उपाय नहीं है छूके। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे आके आप लोग फोटो मार सकते हो, सेल्फी क्लिक कर सकते हो, सो वंडरफुल गाइस। जगह बोलने से अगर आप लोग आते हो नेपाल में देन पोकोरा पे, देन ओबियसली ये आप सभी को विजिट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का यहाँ का सफ़र कंप्लीट होगा। सो पीछे का नज़ारा देखिए गाइस, तो फाइनली गाइस मतलब आज की वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। सो आप सभी को यहाँ का शिव मंदिर का लोकेशन, आई मीन यहाँ का नज़ारा देख के आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर कोई अपडेट आपके पास चला जाए। सो एनीवे धूप भी बहुत है और मैं आशा करता हूँ सभी का दिन अच्छा हो और
आज की ब्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक समाप्त है। सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद गाइस।